नमस्कार दोस्तों, आज मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ BGMW 500 प्लस। ये 5 किलोवाट के लिए मेन लाइन में सप्लाई के लिए स्टेबलाइजर है बीघाट का। यहाँ पे 220 दिखा रहा है, ये ब्लैक कलर का है और ये वर्क करता है 90 वोल्ट एसी से 300 वोल्ट एसी के बीच में। इससे कम या ज़्यादा होने पे ये लाइट ट्रिप कर देगा और ये 2 साल की वारंटी के साथ आता है। यहाँ पे स्टीकर OTL का अलग अलग है, अब ये क्यों लगा है मुझे नहीं पता। और ये यहाँ पे इसकी और विस्तृत जानकारी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इलेक्ट्रॉनिक बोल्ट स्टेबलाइजर वही सब कुछ दिया है। ये 15 एम्पियर का है, 230 वोल्ट देगा, जबकि यहाँ बगल में फ़ोटो में ये दिखा रहा है 220। ऐसा क्यों पता नहीं, तो इस्तेमाल करने पे या मैनुअल पढ़ने पे विस्तार से पता चलेगा। ये दिसंबर 2020 में बना है, ये 13,000 के लगभग में है और ये 9.5 का लगभग हमको पड़ा है। और आपको ये बता दूँ कि ये अभी मैं इसको ओपन करके चल रहा हूँ लगवाने। इसका टोटल वेट डब्बे सहित 20 किलो का है। यहाँ पर अनबॉक्सिंग करते हैं कि कहीं कुछ टूटा फूटा तो नहीं है अंदर। हालांकि ऑफलाइन ना लेके मैंने वो सॉरी ऑनलाइन ना लेके ऑफलाइन ही लिया है, तो दुकानदार से मैंने बात किया था तो उसने कहा नहीं आप घर ले जाके खोलिएगा, कोई दिक्कत होगी तो हम समझ लेंगे। क्योंकि इस समय लॉकडाउन चल रहा है तो सप्लाई में उतना वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं कि खोल करके दिखाएं। तो अब ये आ गया। यहाँ पे कुछ लोगों को खांसी भी आ रही है। ये सिलिकॉन का होगा जहाँ तक है, हाँ सिलिका जेल है। और ये हटाया, यहाँ पे वारंटी कार्ड वगैरह मिल जाता है तो इसको मुझे वीडियो बंद करके ही थोड़ा निकालना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी हैवी है। तो ये बहुत ही हैवी है, इसको 20 किलो का वज़न आप सोच सकते हैं। मान लीजिए 1 किलो डब्बे का भी घटा दें तो भी ये काफ़ी ज़्यादा वज़न है। इसको बहुत संभाल के निकालना पड़ा क्योंकि ज़रा सा भी आप चूकेंगे तो आपको चोट पहुँच सकती है। यहाँ पे ऑन ऑफ वगैरह का है और ये C3 C40, इसे मैं लगवाऊंगा। बाईपास इनपुट यहाँ से निकलेगा तो और भी ओपन करता हूँ मैं। तो ये इसका बाहर से लुक है। यहाँ से ये सब इसके बारे में डिटेल्स लिखा हुआ जो बाहर था, इसमें सारी चीज़ डिले का टाइम क्या हो सकता है, प्लस 5 से 2 सेकेंड प्लस माइनस, कैलिब्रेशन काफ़ी कुछ इसमें दिया हुआ है और काफ़ी हैवी है। देखता हूँ इसको घुमाने की कोशिश करता हूँ कि ये घूमता है नहीं, चटाई लेके घूम जा रहा है, इसलिए इसको यहाँ से होगा। तो पूरी तरह से टोटली ये सुरक्षित है, हल्का प्लास्टिक का है, ये लोहे का है। तो ये प्लास्टिक का डिस्प्ले होता है लेकिन ये फ्रेम भी अगर लोहे का दिया होता तो ठीक रहता। ये यहाँ पे इसका डिस्प्ले होगा, अभी चल नहीं रहा, जब लगवा लूँगा तब मैं दिखाऊँगा। यहाँ पे स्टिकर वगैरह सब लगे हुए हैं। एक चीज़ आपको खास ध्यान रखना दोस्तों, ये वारंटी की सील है, ये हटना नहीं चाहिए, नहीं तो वारंटी मान्य नहीं होती। तो लगाते समय इसका बहुत ही ध्यान रखें, इससे ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें।